हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ में और एक न्यू चमचमाती वीडियो के साथ में। बहुत ज़्यादा चमचमा रही है यार गाइस, लाइट का जो इफेक्ट है ना, माशाल्लाह। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊं कि आज की वीडियो में होने वाला है बहुत धमाल और कमाल है, जो हमेशा हमारी वीडियो में होता रहता है। तो गाइस, बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी, बिकॉज मैं आज एसी बिल्कुल नहीं बंद करने वाला हूँ, क्योंकि अगर एसी बंद कर दूंगा गाइस तो फिर आप लोग को पता है हालत क्या होती है। तो गाइस, जस्ट मैं अभी नहा के निकला हूँ, इस वजह से इतना चमक रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं पहले से ही चमकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो गाइस, आज जो बात करने वाले हैं हम लोग, वो गल्फ़ की लाइफ के बारे में, कि गल्फ़ की लाइफ में होता क्या है एक्चुअली में। क्योंकि पुरानी वीडियो जो है मेरी आती है वो तो मेरे चैनल से रिलेटेड थी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अभी इस वीडियो को या इस ब्लॉग को कुछ इस तरीके से कि अभी जस्ट मैं नहा के निकला हूँ, ठीक है। तो मुझे जो है ना, सबसे पहले उठना पड़ेगा, उठने के बाद में पानी पीना पड़ेगा। तो गाइस, तो छोटा सा हम रूम का टूर भी लेंगे इसके अंदर। तो गाइस, सबसे पहले जो है पानी पीते हैं, क्योंकि पानी ज़रूरी है, सारी चीज़ें साइड में, पानी ज़रूरी है। तो गाइस, ये कैमरा होल्ड करना बड़ा मुश्किल है, ग्लास धो के लेना पड़ेगा। तो ग्लास ग्लास धो के हो चुका है, पानी लेते हैं, पानी पीते हैं। जबरदस्त। तो गाइस, आप लोगों को बताता हूँ इस मशीन को कैसी है ये। सो गाइस, ये हमारा जो है, जब कोई भी इंडिया से आता है तो ये बॉक्स लेके आता है। बड़ी यादें जुड़ी रहती है इस बॉक्स से, क्योंकि बहुत सारी यादें रहती है। जब घर पे हम इसको पैक करते हैं, जब इस बॉक्स को यहाँ पे देखते हैं कि यार कुछ दिन पहले तो घर पे था हमारे साथ। तो इस बॉक्स को फिलहाल साइड में रखते हैं, उसके ऊपर कबूस रखे हुए, कबूस, यू नो कबूस, कबूस आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, तो इस तरीके से रहते हैं, 1 रियाल के मिलते हैं, तो इंडिया के कुछ 2200 रुपये के। और ये हमारा पानी पीने का सामान, और ये अच्छे संस्कार वाली बैट, इंशाल्लाह खेलने जाऊंगा जब कभी तो आप लोगों को बताऊंगा। तो गाइस, 3 बटन है इसके ऊपर, इसमें से आता है गर्म पानी, इसमें से नॉर्मल, और इसमें से ठंडा। तो गाइस, ये तो हो गया, ये अलग चीज़ है, सो आउट ऑफ द टॉपिक है, बस ऐसे ही मैं टाइम पास मार रहा हूँ, ठीक है। सो लाइक, टाइम पास मेरा पूरी तरीके से हो चुका है। और जो मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ, कि मैं जो है बिना इजाज़त के किसी को मेरी वीडियो में लेता नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी के सॉक्स आ रहे हैं उसके अंदर, तो भाई दिल से माफ़ी कि आप लोगों के सॉक्स आ रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। तो गाइस, जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि गल्फ़ की लाइफ, ये छोटा सा किचन, हम लोग अंडे रखे हुए, लाइक अंडे रखे नहीं हुए, अंडे ऑलरेडी जो है दिख जा यार बन चुके हैं। कैमरा चेंज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, और ये जो छोटी सी पतीली या छोटा सा डेगचा बोल सकते हैं, ये जो है मेरा है, मतलब मैंने बनाया था। इसके अंदर चिकन, वो लाइक कैसे बताऊँ, थोड़ा मुझे ना, मुझे लगता है इसको बैक कैमरे पे शिफ्ट करना पड़ेगा। बैक कैमरे पे शिफ्ट करके फिर आप लोगों को बताता हूँ सारी हकीकत, सबको एक साथ करता हूँ, पहले सारी चीज़ें एक साथ रखता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। सो गाइज, बोलने का मतलब क्या है मालूम है, ये मैंने चिकन बनाया था, और ये इस तरीके से बची हुई थी, और ये हमारे अंडे, वो तो मैं खाऊंगा, पहले वीडियो कंप्लीट करता हूँ, बिकॉज़ वीडियो बनना इम्पोर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें तो छोड़। इसमें चावल बना था जो एक रूममेट ने बनाया था, उसका एक पतीली या डेगचा बचा हुआ, ये और ये मैंने बना के रखा था, तो ये भी बचा हुआ है, तो इसका पता नहीं क्या करेंगे अभी, फिलहाल इसको बंद करते हैं, ठीक है। और ये कल की तैयारी है, ये जो है रूममेट है मेरा, उसकी टर्न है, तो वो बनाएगा। सो गाइज, ये सारी चीज़ें हो गई, और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि ये होता है, लाइक असली जो होता है ये होता है। अभी 10 आवर्स की शिफ्ट मैं ख़त्म करके आया हूँ, सीरियसली 10 आवर्स पूरी तरीके से, मेरी शाही कुर्सी पे पहले बैठूँगा मैं, उसके बाद आप लोगों को स्टोरी सुनाऊँगा। 10 आवर्स की शिफ्ट ख़त्म करने के बाद में गाइज, हेक्टिक हो जाता है बहुत कुछ चीज़ें करना। और बोलने का मतलब क्या है कि 10 आवर्स ख़त्म करने के बाद, ट्रैवलिंग 2 घंटे की है हमारी, ट्रैवलिंग के बाद में रूम पे आके नहाना धोना, सबसे जो सबसे बेसुकून वाली चीज़ रहती है वो रूम पे आने के बाद होती है, क्योंकि शिफ्ट में ड्यूटी में जो है सुकून रहता है, 10 घंटे लेकिन काम करना है, लेकिन आने के वक्त
धमाल होता है गाइस। आने के बाद में बहुत सारी चीज़ें अधूरी रहती है, लाइक अंडे बनाओ और उसके बाद दूध, जो सारी बेसिक चीज़ें हम लोगों को लगती है, और ये सारी चीज़ें लगनी भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे हेल्थ का ख्याल भी हमको खुद को ही रखना होता है। जो भी है गल्फ में जो भी लोग रहते हैं तो मतलब बहुत अकेले पड़ जाते हैं, तो हम लोग भी सारे अकेले ही पड़े हुए रहते, अकेले से ही सब कुछ करना पड़ता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये थी कि अब वो सारे जो सब कुछ जो बनाया हूँ मैं, वो अब धोना भी है। तो गाइज मैं सोचा सबसे पहले आप लोगों से बात कर लेता हूँ थोड़ी सी, आपको एक छोटा सा रूम का टूर भी करवा दिया मैंने, बहुत छोटा था। इंशाल्लाह पूरा जब रूम में कोई नहीं रहेगा, सिर्फ मैं और आप लोग, उस वक्त पूरे रूम का टूर करेंगे अपन। क्योंकि यार थोड़ा सा मुझे ना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को जैसे बताया ना कि मैं किसी को भी बिना इजाज़त के मेरी वीडियो में नहीं लेता, सामने वाले की इजाज़त है तो ही लेता हूँ। सो गाइज स्टोरी कुछ ये है आज के दिन की, कि लाइक मैं अभी आया रात के 2:30 बज रहे, शायद मैंने पहले बताया होगा कि रात के 2:30 बज रहे, लेकिन मैं अगेन फिर से बता रहा हूँ कि रात के 2:30 बज रहे। और अभी जो है मुझे वो सारे पतीली वो धोने, स्टोरी यही थी कि गाइस इस तरीके का कुछ हाल रहता है कि 10 आवर्स 11 आवर्स अपनी शिफ्ट ख़त्म करके आओ, देन उसके बाद में जो है खाना बनाओ। खाना जो है अब जो मैं नेक्स्ट वीक में बनाऊंगा, वेनसडे के दिन मैं जो है खाना बनाता हूँ, आज थर्सडे है ठीक है, तो जब वेनसडे को, नेक्स्ट वेनसडे को मैं बनाऊंगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा कि किस वक्त मैं शिफ्ट ख़त्म करके आया हूँ, और उसके बाद में लाइक क्या बनाने वाला हूँ मैं, और कैसे बनाता हूँ, और कैसा सब कुछ रहता है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। और गाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग रूम का टूर भी करेंगे फ्राइडे, फ्राइडे के दिन या फिर सैटरडे के दिन, जैसा भी पॉसिबल होगा, जैसा रूम में कोई नहीं रहेगा उस तरीके से हम लोग रूम का छोटा सा टूर भी कर लेंगे कि रूम्स कैसे रहते हैं हम लोगों के, कैसा रहते हैं वहाँ पर हम लोग का लाइफ स्टाइल। कमेंट में आप लोग लिख रहे हैं कि लाइफ स्टाइल कैसा है, तो लाइफ स्टाइल यार बहुत धमाकेदार है, बहुत ज़्यादा धमाकेदार है, बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग, तो वो भी आप लोगों को बताऊँगा मैं। और आप लोगों और क्या चीज़ें देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स दिया गया है नीचे, उसके अंदर कमेंट करो और मुझे बताओ कि आप लोगों को और क्या क्या देखना है। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेम एनर्जी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।